मैं YouTube चैनल रोबोट है, तो आज मैं आपको pH कंट्रोलर ऑनलाइन के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको pH मीटर के बारे में बताया था, बेसिक जो उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे। अब ये हमारे पास pH कंट्रोलर ऑनलाइन है, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये हमारे pH कंट्रोलर की डिस्प्ले है, ये हमारी दो रिले है, रिले वन और रिले टू, और ये है सेट वैल्यू, जहाँ पे हम हमारी वैल्यू सेट करेंगे। ये हमारे कंट्रोल बटन है, जिससे सेट, अप, डाउन और एंटर। सेट से हम वैल्यू सेट कर सकते हैं हाई और लो की, जो आप चाहते हैं। अप और डाउन से हम उसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, और फिर एंटर प्रेस करना है, जिससे वैल्यू सेट हो जाएगी, इसमें फीड हो जाएगी। फिर हमें पीएच इलेक्ट्रोड लेना है, और उसको नॉर्मल वाटर, पीएच 4 का सोल्यूशन और पीएच 7 का सोल्यूशन। तो उसमें हम चेक करेंगे कि पीएच की वैल्यू कितनी ये शो कर रहा है, जो हमने वैल्यू सेट करी है। अगर उससे नीचे जाएगा तो रिले 1 होगा, और जो वैल्यू हमने हाई सेट कर रखी है उससे वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो हमारा रिले 2 ऑन होगा। ये हमारा पीएच कंट्रोलर ऑनलाइन का बैक व्यू है, जहाँ पे बीएनसी कनेक्टर है, और ये टॉप व्यू है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, 10-11 पे हमारी पावर सप्लाई है, और 14 और हमारा 16 के लिए है रिले 1 और रिले 2। हम यहाँ पे अपने आउटपुट और लगा सकते हैं, जैसे हमें रिले 1, रिले 2 या अलार्म वगैरह कुछ भी चाहिए इंडिकेशन वगैरह शो करने के लिए। तो ये है हमारा पीएच कंट्रोलर ऑनलाइन, और ये है दो सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन पीएच 4 के और पीएच 7 के। और ये है हमारा डीएम वाटर, और ये हमारा है इलेक्ट्रोड, पीएच इलेक्ट्रोड, और इसमें ये है हमारा पीएच कंट्रोलर। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारा डिस्प्ले है, ये हमारी रिले है, रिले 1 और 2। ये सेट वैल्यू, मतलब कि हम इसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये सेट बटन दबाया तो इसमें अभी हाई वैल्यू हमारी रिले 2 की सेट हो रखी है पहले से ही 6.5। अगर वैल्यू इससे ज़्यादा हुई तो हमारा रिले 2 ऑन हो जाएगा, और हम इससे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो सेट को हमें फिर से दबाना है, फिर से दबाएंगे तो फिर ये लो वैल्यू पीएच शो करेगा। तो ये है 4.50 जो पहले से ही सेट है। तो अब हम इसे एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। तो अभी हमने पानी में डिप कर रखा था इसे, अब हम इसे 4 के सोल्यूशन में करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमारी वैल्यू डाउन गई है अभी 4.5 से, तो हमारा ये रिले 1 ऑन हो गया है। तो अब मैं इसे दोबारा से पानी में डिप करूँगा, और फिर इसे पीएच 7 में। तो देख सकते हैं हमारी रिले 2 ऑन हो गई है, कि 6.5 से अप गई है वैल्यू, 6.8 हो गई, तो हमारा रिले 2 ऑन हो गया है। थैंक यू।